सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। सुपने जो धन पछाण काहे पर करत मान, बारू की पीत जैसे बसधा को राज है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी समझा रहे ने, नानक जन कहत बात बिनस जह तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। राग जैजावंती महला नौवा। ग्रीप वाज धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज समझाते ने, बीत जय है बीत जय है जन्म अकाज रे। होर जिहड़ी बाणी आप पढ़ते हाँ कई बारी उहदे विच जिहड़े अल्फाज जिहड़े अखर सतगुरु जी ने वरते हैं वो साडे समझ तो कई बार बाहरे होंगे। सब तो सुखैन बाणी जिहड़ी सब तो नेड़े दी बात समझाउण वाली गल धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने सानू कीती। देखो केड़ा बंदा है जिस नूं इस तुख दे अर्थ ना पता होण भी गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत की। सतगुरु कहिंदे ने जीवन दे दौरान तो सब कुछ कीता होवे, धन कमाया होवे, दौलत कमाई होवे, ना कमाया होवे, दुनिया ते तेरी वाह वाह होई होवे, पर केवल तू एक चीज ना कीती होवे ता तेरा जन्म जेड़ा है वो अकारत है। किसे अर्थ नहीं, किसे लेखे विच नहीं, किसे गिनती विच नहीं। आपां सारी ये तुका पढ़दे हां, मैं फिर बेनती करा सतगुरु साडी अपनी बोली विच समझाउंदे ने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दी बाणी नूं समझण लग्गिया मेरा ख्याल नहीं कि किसे कोलों सानूं बहुते अर्थ पुछण दी जरूरत पवे। सतगुरु जी सानूं अपनी बोली विच समझदे अपने लफ्ज़ां विच बड़े सोहणे तरीके नाल समझाउंदे ने। बड़ियां कमाल दीआं बातां तुसीं नौवें महल्ले दे श्लोकां विच पढ़दे हो। साहिब सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते ने, एक भगत भगवान जे प्राणी कै ना ही मन। हुण इहदे अर्थ
जे किसी नूं नहीं पता लगा तो हाथ खड़ा करो जी। मेरा ख्याल नहीं कि इन्हां अर्थां तो कोई भी संगत विच ना वाकफ होवे। सारिआं नूं पता है कि एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन। अगली तुक पढ़ो जी, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तां। हुण इहदे नाल उह सौखी गल कोई समझा सकदा? कोई दुनिया का गुरु नहीं समझा सकता, कोई दुनिया का गुरु नहीं समझा सकता। सतगुरु कहते ने केवल एक चीज इंसान अंदर जे नहीं ना, होर सब कुछ है। सोना भी रज के होवे, रूप भी परमेश्वर ने दिता होवे, सियाणप भी दिती होवे, अकल भी दिती होवे, दानशमंद होवे, चंगे सियाणे लोकां विच बहन खलोण भी होवे, पर केवल जे एक चीज ना होवे ते सतगुरु कहते ने भी उहदा तन इस तरह है जिवें किसे, मैनू माफ कर देना अल्फाज बड़े औखे ने, जैसे सूकर। सूकर का अर्थ तुसी समझदे हो, जैसे सूकर ते स्वान का मतलब है कुत्ता, कुकर। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। मैं फिर बेनती करा कि जिस इंसान नूं गरीब नवाज सतगुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी सुन के भी नाना समझ आई, उस नूं दुनिया ते कोई ऐसा इंसान नहीं जिहड़ा समझा सके। जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहां गाफल सोया, जिवें किसे नूं आवाज मारी दी है ना कि जाग कमलिया ऐ सुता ना रही। क्यों? क्योंकि होर किसे चीज ते तूं माण करना छड्ड दे। जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होगा। सतगुरु समझाउंदे ने मात पिता सुत बंध जन हित जासियो कीना, जियो छुटियो जब देह ते दार अगण मैं दीना। जिन्हां ते तू माण करदा सी ना, भैणां ते भरावां ते मां ते बाप ते शरीके ते रिश्तेदारां ते दोस्तां मित्रां ते, उन्हां ने तेरा की हशर कीता। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज समझा रहे ने भी ऐ इंसान जिन्हां ते तू माण करदा सी, जियो छुटियो जब देह ते दार अगण मैं दीना। सतगुरु कहिंदे ऐवें किते भुला ना रही, जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो। जिन्ना चिर तेरे अंदर स्वास ने ना, उन्नी देर तक तू किसे दा फुफड़ है, किसे दा ताया है, किसे दा चाचा है, किसे दा पुत्तर है, किसे दा सब कुछ है। पर जदों तेरे अंदरों स्वास निकल गए तां फिर इस संसार ने तेरा हाल बड़ा माड़ा करना है। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो, नानक हर गुण गाए ले सब सुपन समानो। एक बेनती मैं होर करा, इस संसार की कार नूं जिन्ने वध उदाहरण दे के धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने समझाया, उन्ना भी किसी होर थां ते सानूं उदाहरण नहीं मिलता। ज्यों बारू की पीत ज्यों सुपना अर देखना ऐसे जग को जान, ये शरीर बिनसन वाला है अस्थिर जो मान्यो दे सो तो तेरो होए है खे, क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे। सो गुरु की संगत ही ऐसे गरीब नवाज सतगुरु जी का आपा शहीदी पुरब मना रहे हैं। उपदेश धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का एक ओंकार तो लैके 18:10-20 तक एको है। सानू सतगुरु यो समझाते हैं कि तेनों ये जीवन मिलया किस करके है, करना की है, कर की रहा है, किहड़े पासे जा रहा है, अंत नूं तेरा हशर की होना है। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण सतगुरु जी ने दे के सानूं समझाया है कि इस संसार नूं समझण की कोशिश कर, निरंकार नूं जानण की कोशिश कर, अखीर च तेरा इहो एक साथ है। आओ एक बार फिर इस पंक्तियां पढ़िए। धन गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का शब्द है, बिखम सागर तेई जन करे नानक जाको नदर करे। गुरु को नदर मंगीए, गुरु को आशीर्वाद मंगीए, करो कृपा उपरंत जिन्ना समा बाकी है समय च रहते आप जी की सेवा च हाजिर हां। बिखम Yeah.
ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਐਸੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਤ ਦੀ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਟਿਕਾਉਣੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਾਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੋ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਨੀਂਹ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਬੀਰਬਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸੀਹੇ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀ ਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ
जिस प्यार मर जीवड़िया ने शहादत दी। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी मुखातिब करके गया गरीब नवाज पंजे जामे जेड़ा सबक धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी के रूप के सिखाया सी उस सबक जरा साडे कोल सुनो सही है कि नहीं किसी गलती से नहीं किसी कमजोरी से नहीं गरीब वार साधु जी के सामने जो तिना शहीद किया गया तो शायद उन्होंने भगत रविदास जी दियां ये पंक्तियां जरूर पढ़िया होणगियां। आओ आप भी पढ़िए Oh,
साडे प्रीत है गुरु नाल लोड़ा करके अपनिया जरूरत करके पर दुनिया के इतिहास से सिख इतिहास में जो वाचन लगीए तो जिन्होंने भी प्रीत की उन्होंने उस प्रीत का मुल चुकाना पड़ा। मेरा ख्याल है कि अज यहोजी प्रीत गुरु का सिख गुरु को कभी भी नहीं मंगेगा। प्रीत तो असं मंगते हाँ पर धन दौलत की लोड़ वास्ते अपने कारोबार की चढ़ती कला वास्ते अपने धियां पुत्रां दे कामयाब होने वास्ते इहोजी प्रीत भाई मतीदास वर्गी भाई सतीदास वर्गी भाई दयाला जी वर्गी प्रीत कोई विरला ही है जिहड़ा गुरु कोलों मंगेगा। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी समझाउंदे ने भी जिन्हां ने इस प्रीत का स्वाद चखिया फिर उन्होंने दुनिया की होर प्रीत झूठी लगन लग पई। उन्होंने इस गल को समझ लिया कि जगत मैं झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत मेरो मेरो सब है तहत है हित स्यों बांधियो चीत अंतकाल संगी नहको यह अचरज है रीत। पर सतगुरु कहिंदे मन इन्नी छेती समझण वाला नहीं स्यापा तां सारा मन दा है जदों मन नूं इस गल की समझ आ जाए जदों मन जाग पवे जदों मन सुचेत हो जाए। पर सतगुरु कहिंदे इन्ना सौखा नहीं मन मूर्ख अज मूं नहीं समझत सिख तै हारियो नीत। साहिब समझाउंदे ने नानक भौजल पार परे जो गावै रब के गीत। गुरु कोलों साची प्रीत मंगीए गुरु कोलों ऐसी प्रीत मंगीए जिस सत्ता गुरु नाल बन आवे गुरु के चरणों नाल जुड़ सकीए। समा जो नीयत सी उस समय की समाप्ति है आने वाले दीवाना दे विच वी आप जी दी सेवा दसरिया ने करनी है। जो शब्दों के हुक्म मैनू होए हन उह शब्द आप जी नू आने वाले दिनों में असी जरूर सुनावांगे क्योंकि अज खास तौर पर यह प्रोग्राम सतगुरु जी के शहीदी गुरु नू ही समर्पित सी। सो आओ एक बार फिर मिल के सारे ये पंक्तियां पढ़िए ठीकर होर दलीस सिर प्रभ पुर किया प्याण तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हों आन तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक है सब जग पयो जय 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 सुर सारे मिल के पढ़िए जी उपरंत की समाप्ति है। ठीकर होर दलीस सिर प्रभ पुर किया
करनी, यत्न करया करिए, कोशिश करया करिए। जो गुरु की हजूरी में बैठ के सुनते हैं वो जीवन का हिस्सा बने, नहीं तो सतगुरु जी ने एक नहीं बेअंत ऐसे प्रमाण दिते हैं। पढ़ पढ़ गद्दी लदियाँ हैं, पढ़ पढ़ भरियाँ साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई हैं, पढ़ पढ़ गद्दियाँ खाद, पढ़ी हैं देते बस बस, पढ़ी हैं देते मास, पढ़ी हैं देती आरजा, पढ़ी हैं देते सास। नानक लिख है एक गल होर हों मैं चकना चाह। इस करके जिहड़ा पढ़ते हैं जे उहदे विचार नहीं, वो जीवन का हिस्सा नहीं बनता, तो फिर बड़ा औखा काम है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी पुरब आप सारिया ने मनाया है, सतगुरु जी के जीवन में भी आपने पढ़िया वाचिया है, पर जे सतगुरु जी की दिती हुई सिक्ख्या तो सीध लैके अपने जीवन में गुरु लड़ ला सकीए तो यह पुरब मनाए हुए सफल होंगे। गुरु की संगत जीओ, कल अमृत वेले तो लैके लगभग 3 दिन वास्ते आप जी के दसरिया ने आसा की वार की संपूर्ण हाजरी सवेरे 6 बजे तो लैके 8 बजे तक का समा प्रबंधक वीर ने नियत किया है। सवेरे 6 बजे तो लैके 8 बजे तक संपूर्ण आसा की वार का कीर्तन आप जी के सेवकों ने करना है। सतगुरु रहम करन, आस करते हैं कि आप इस तरह वध चढ़ के महाराज के चरणों में हाजरियां भरोगे। बाणी सरवण करके इन्हों दिनों इन्हों घड़ियों गुरु लेके ला के अपने जीवन का आनंद प्राप्त करोगे। सो सारिया का ही साझे तौर पर धन्यवाद है, स्पैशली प्रबंधक वीर ने तो धन्यवाद करना ही है। मैं अपने वालों अपने प्यारे वीर भाई निर्मल सिंह जी लागपुरी साहब हजूरी लागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर वाले का भी धन्यवादी हाँ, जिन्हों ने इतने साढ़े नाल संगत को कीर्तन सुना के संगत का प्यार असीसा प्राप्त कीतिया हैं। दसरिया वालों भी उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे दियो असीस की प्यार फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।